नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है छठ पूजा, तो आप सभी को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, कल को मैं अपना कपड़ा खरीद कर लाया हूं और आज भी थोड़ा सा सामान लाना है। माँ मार्केट करके ला दी है पूरा सामान, तो जो बचा है वो मैं लाने जा रहा हूँ अभी अपने साइकिल से। तो यहाँ पर है साइकिल, यहाँ पर देखिए घर का लिपाई हो गया है द्वार पर। और दोस्तों, यहाँ पर माँ ने नई तिल बनाई है जिस पर प्रसाद बनता है, तो आप सबको हम दिखाएंगे जल्दी। बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। और दोस्तों, आने के बाद मैं भी स्नान करूँगा और सब लोग स्नान कर लिया है और कपड़ा भी साफ हो गया है। और दोस्तों, आज बनता है प्रसाद के लिए ठेकुआ, खजूर, ये सब बनता है, तो आप सबको हम दिखाएँगे और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर। तो अभी मैं मार्केट से आ गया हूँ और अगरबत्ती सामान लाना था तो वो ला दिया हूँ। और अभी रोशन गया है गांव के दुकान से लाने, तो तेल और चीनी लाना है और कुछ सामान लाने गया है वो। और मैं अभी आया हूँ घर पे और रॉकी खेल रहा है। दोस्तों, अब प्रसाद बनाया जा रहा जाने के लिए तैयार हो गया है सब कुछ, आप सभी को मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर सामान रखा गया है पूजा में लगने वाला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनारस जो कि है वो पत्ता वाला नहीं मिला है। हम बहुत मार्केट में गए थे अभी तो खोजे, लेकिन नहीं मिला, तो यही मिला, यही लेकर आए हैं। और सब सामान खरीद कर माल आई है कल मार्केट से। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे घर पे जो पेड़ था गागल का द्वार पर है, उस पर से ये तोड़े हैं, एक ही था बचा। और ये देखिए कितना अच्छा पक गया है एकदम पीला। और ये पड़ोस के लोग दिए हैं, उनका भी पेड़ है तो बांटा जाता है गांव में। प्रसाद बनाने का तैयारी हो रहा है, चूल्हा पर बनेगा। और आज फूल कितना अच्छा खिला है, तितली आ रही है। देखिए कई प्रकार के फूल हैं, देखो तितली बैठी है। और दोस्तों, माँ बना रही है प्रसाद जो कि पूजा में लगता है, तो ठेकुआ, खजूर, ये सब बनेगा और हम आपको दिखाएंगे। तो इसे बनाने की तैयारी चालू हो गई है। देख सकते हैं कि कैसे बना रही है माँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से माँ बनाई है अपने हाथों से खजूर। और सारा पकवान बन जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे मंदिर। और यहाँ पे गन्ना लाए हैं छोटा सा, और मेरा भाई रो रहा है पैसा के लिए, मिठाई खाएगा। देख लो। तो दोस्तों, फाइनली डाला लेके मैं पहुंच गया हूं मंदिर के पास, मतलब आने वाला हूं। तो ये वेलकम कुछ इस तरह से स्वागत के लिए लगाया गया है, अच्छा लग रहा है टेंट हाउस। और ये आवाज़ बहुत ख़तरनाक आ रहा है, खरखर खरखर, जो कि बगल में जनरेटर चल रहा है, इसी के जनरेटर से ही बल्ब जल रहा है ये सब। और रात को यहाँ पर पूरा अच्छा लगेगा और डीजे पर गाना भी बजेगा। तो फाइनली हम लोग छठ घाट पहुँच चुके हैं, छठ मैया के पास। और यहाँ पर लोग आ चुके हैं सब लोग और हम भी आ गए। तो यहाँ पे ढेर सारे लोग आए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है, और मेरे दोस्त भी हैं। और देख सकते हैं कितना अच्छा सजावट हुआ है। और आपको हम मंदिर में अंदर जाकर वीडियो बना के दिखाएंगे। Thank you.
बाबूरे हाथ है। हम लोग को मन नहीं भर रहा है। अलग बलग कर आगे हैं यहाँ पर बोला का ओप्पो मामा रे मामा रे चल ना अब ना लगा रखे रहो ना 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 तू अपना ना बोल लिया देते और यहाँ पे छोटे लड़कों के लिए खिलौने तू रे ना मुझे बाहर कहाँ रे और यहाँ पर मिठाई भी दिख रहा था साइड में और यहाँ पर मेरी माँ और बड़ी माँ और बहन और मेरा छोटा भाई बैठे हैं लोग अरे और दोस्तों इस वक्त का पूजा हो गया है। अब हम कल सुबह आएंगे एकदम भोर में मतलब लगभग 3:30 के आसपास, तो उस वक्त का भी वीडियो दिखाएंगे। अब सुबह मिलते हैं। तो दोस्तों लगभग 2:30 से मैं जगा हूँ और माँ पहले से जगी थी और रेडी हो गए हैं हम सब लोग। अब जाएंगे घाट पर, सुबह हो चुका है तो सब लोग यहाँ पे कपड़े पहन रहे हैं और लाइट नहीं है, अंधेरा है। इधर पूजा हुआ है घर पे। जा
Thank you.